और जब ये नारा दिया गया था तो ये कहा गया था, और भाजपा के अंदर ये सोच रही थी कि उनके जो उस समय के पार्षद थे वो जनता के अंदर काफी ज्यादा बदनाम थे, लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, दिल्ली के लोग नगर निगम से बहुत परेशान थे, चाहे वो सड़क का मामला हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, कूड़े का निपटारा हो, पार्कों का रखरखाव हो, आवारा पशुओं का प्रबंधन हो, हर चीज, कोई काम आप कर ले, आपकी कॉलोनी की सड़कें हो, सब चीजों से लोग इतने परेशान थे और अपने भाजपा के पार्षदों से इतने दुखी थे कि भाजपा के अपने सर्वे के अंदर यह आया कि अगर हमने अपने पार्षदों को दोबारा चुनाव लड़ाया तो ये बुरी तरह हारेंगे, लोग इनसे बहुत ज्यादा दुखी हैं, नफरत करते हैं। और भाजपा ने उनके भ्रष्टाचार के चलते ये कहा कि हम अपने सारे के सारे पार्षदों को बदल देंगे, और उस वक्त दिल्ली के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक एक गाना लिखा। बताया जाता है कि उन्होंने खुद लिखा, उसका संगीत भी उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने किया उसका, और ये गाना जो है दिल्ली के अंदर चलाया गया, नए चेहरे नई ऊर्जा नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। अध्यक्ष जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं, मगर क्योंकि हम दिल्ली के विधायक हैं और दिल्ली के लोगों की समस्या लगभग रोज सुननी पड़ती है, ज्यादातर समस्याएं जो हम विधायकों के पास आती हैं, और मुझे लगता है सब पार्टी के लोग इसको मानेंगे, ज्यादातर समस्याएं जो हैं एमसीडी की हैं, नगर निगम की हैं, और लोग दिल्ली नगर निगम से बहुत परेशान हैं, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, कूड़े का रखरखाव हो, टूटी हुई सड़कें हो, और जो सबसे बड़ी बात यह है जो भ्रष्टाचार है, जो पैसे का गोलमाल है, जो घोटाले जो एमसीडी के अंदर रोज सामने आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, और मेरा भी ये मानना है अध्यक्ष जी कि पुराने पार्षदों ने तो जो लूटमार की वो की, मगर ये जो नए पार्षद आए चुनके और ये जो नई एमसीडी चुनके आई तीनों नगर निगम के अंदर, उन्होंने भ्रष्टाचार के घोटाले के सारे पुराने रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए, मतलब ये पुरानों से भी आगे निकले, और ये बात बीजेपी के नेता भी अक्सर अपनी रैलियों के अंदर लोगों के आगे बात मान लेते हैं। विजय गोयल जी ने कुछ दिनों पहले जब संसद का चुनाव चल रहा था तो उनको लोगों ने कहा, उन्होंने बोला भाई हाँ भाई ये बात तो हम मानते हैं कि हमारे जो लोग हैं बड़े भ्रष्ट हैं। तो अब ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की अध्यक्ष जी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 181 भाजपा के पार्षद जो चुनके आए और जो एमसीडी बनी उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, नई नई भ्रष्टाचार की घोटाले की स्कीमें आप उनके अंदर पा सकते हो। हमने एक स्कीम शुरू की, हमने एक सीरीज शुरू करी भ्रष्टाचार की, उसको हमने नाम दिया भाजपा 181। इनके 181 पार्षदों को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार की 181 स्कीमों का उजागर हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, कुछ स्कीमों का हम उजागर कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से भाजपा के एनसीडी के मेयर और पार्षद मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष जी, पुराने समय के अंदर ऐसा देखा जाता था कि जब बेटी का ब्याह करते थे तो कई जगह दूसरे घर में लालची सास होती थी, और वो जो लालची सास होती थी उसके पास सिर्फ एक ही काम होता था, और पैसा ला, और पैसा ला, और पैसा ला। दिल्ली वालों ने और दिल्ली सरकार ने अपनी बेटी एमसीडी, क्योंकि ये हमारी बेटी की तरह थी, दिल्ली की बेटी की तरह थी एमसीडी, हमने गलत जगह ब्याह दिया,
बीजेपी को दे दिया। और ये जो बीजेपी है, कोई बात नहीं मैं बता रहा, और जो बीजेपी है ये इतनी लालची सास है, ऐसी सास होती थी हमारे वक्त में। पहले बताते थे कि लोग मिट्टी का तेल डाल के बहू जला देते थे दहेज के चक्कर में, और लाओ और लाओ और लाओ। अब दिल्ली की मजबूरी ये है, दिल्ली की मजबूरी ये, हमने अपनी बेटी अपनी एनसीडी इनको दे दी। और जो सास है बहुत लालची है, शुरुआत हुई स्कूटर से, जब हम नए नए आए थे 2014 में तो इन्होंने स्कूटर मांगा, वेस्पा का मांगा या बसपा का मांगा, वेस्पा, इनको स्कूटर दे दिया क्योंकि बेटी का मामला है, बेटी का अच्छा हम चाहते थे, हमने इनको स्कूटर दे दिया। स्कूटर से लालची सास का पेट नहीं भरा, मोटरसाइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दी, फिर ये बुलेट मांग रहे हैं, इन्हें बुलेट भी दे दी, अब ये कार मांग रहे, हमने इनको मारुति 800 भी दे दी। फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, भाई नहीं अब तो बड़ी कार लो, नहीं मर्सिडीज का मामला नहीं था ये, एक आए स्कॉर्पियो के ऊपर, भाई स्कॉर्पियो लेंगे तो तुम्हारी बेटी को सुखी रखेंगे वरना दुखी करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, लालची सास है, लालच कभी खटता नहीं। तो इन्होंने आपस में रिश्तेदारों ने मीटिंग करी, कहीं भाई स्कॉर्पियो मांगेंगे इस बार, तो इनके यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने कहा देखो स्कॉर्पियो मांगोगे ना तो हो सकता है कोई छोटी गाड़ी मिले, कोई बड़ी गाड़ी सोचो और उसकी मांग के ऊपर टिक जाएंगे कि ये दोगे तभी तुम्हारी बेटी सुखी रखेंगे वरना जला देंगे तेल डालेंगे। तो इन्होंने जैसा कि राखी बहन बता रही है, इन्होंने कहा कि मर्सिडीज मांगते, इन्होंने सोचा मर्सिडीज मांगते और मर्सिडीज के बारे में चिट्ठी सारे रिश्तेदारों को लिख देते कि भाई मर्सिडीज नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी को जला के मार देंगे, मर्सिडीज दो। सब रिश्तेदारों के अंदर बात चली गई कि जी लालची सास मर्सिडीज मांग रही, इनको क्या लगा कि इससे तो हमारी प्रसिद्धि हो रही है, रिश्तेदार फोन करें अरे भाई मर्सिडीज मांग रहे, हाँ जी मर्सिडीज मांग, वरना नहीं मानेंगे इस बार मर्सिडीज ही मांगे। तो अब ये मामला ऐसा हो गया कि हमारा जो मामला है, जो दिल्ली वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी इनको दे दी, वो कह रहे हैं तुम बेटी वापस दे दो हमें, थमे ना बयानी तुमसे, हमारी बेटी हमें वापस दे दो, तुम्हारे यहां नहीं रखनी और तुम्हारा पेट नहीं भरना, तुम्हें अगर मर्सिडीज भी देगी तो तुम कहोगे आप मुझे जेट दे दो। तो इनको क्या इस बात से चिढ़ो। अब इस लालची सास ने क्या कहा कि एक काम करेंगे, इनको बदनाम करने के लिए पूरे शहर में होर्डिंग लगा देंगे, मर्सिडीज नहीं दी तो बेटी जला दे। तो ऐसे ही इन भाजपा वालों ने किया, 13,000 करोड़, ये कौन है कहां से ये फिगर आई ये किसी को नहीं पता, इन्होंने ये होर्डिंग सारे में लगा, पोस्टर लगा दी, रोज अखबार में कहने लगे भाई 13,000 करोड़ रुपए दो, 13,000 करोड़ रुपए दो, 13,000 करोड़ रुपए दो। और इनको लग रहा है इससे प्रसिद्धि हो रही है, और इन्हें यह नहीं पता कि लोग इनके ऊपर हंस रहे कि भाई तुम्हारा काम था कि जो बेटी तुमको ब्याही उसका ध्यान रखो, उसको पालो पोसो, उसको अपना समझो, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी की लड़की आ गई तो अब उसके ऊपर दबाव बनाओ, उसके ऊपर प्रताड़ना करो, उसको यातना दो, उसको ब्लैकमेल करो, क्योंकि लड़की का बाप तो देगा ना देगा, क्योंकि उसको तो अपनी लड़की को जो है अच्छा उसका भला चाहिए। तो हम भाजपा के लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें तुम्हारे चाल चलन के बारे में पहले ही पता था, दिल्ली वाले यही कह रहे कि चाल चलन तो तुम्हारा हमें पहले ही पता था कि तुम गड़बड़ हो, मगर तुमने आखिरी वक्त पे धूला बदल दिया 2017 में और गलती से शादी कर दी, और अब इनकी सारी की सारी सच्चाई हमारे सामने है, तो आप हमारी लड़की वापस दे दो, तुमसे ब्यादी थी गलत कर दिया था ये वापस कर दो, तुम्हें नहीं देंगे 13,000 करोड़ रुपए तुम्हारे बनते ही। अब अध्यक्ष जी ये 25,000, ये जो 2,500 करोड़ की बात है, मेरे को इस चीज के ऊपर बहुत एतराज है कि 2,500 करोड़ रुपया तो बहुत कम जो है इनके ऊपर घोटाले की बात करी जा रही है, इनका घोटाला तो कई हजार करोड़ रुपए का है। अध्यक्ष जी मेरे को आप 3 मिनट और दीजिएगा, मैं एक बात छोटी सी बात,
इनके एक विभाग के बारे में समझाऊंगा, और मुझे लगता है कि हमारे जितने विधायक हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, वो इस बात को खुद मान लेंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। अध्यक्ष जी, इनका एक डिपार्टमेंट है जिसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट का असली काम क्या है ये मैं भी नहीं जानता था, विधायक होने के बावजूद भी, कि इनका काम क्या है असली। मगर इनका जो प्रैक्टिकल काम है वो ये है, किसी भी गांव में, किसी भी कच्ची कॉलोनी में, किसी भी कोठियों वाली कॉलोनी के अंदर, किसी भी फ्लैटों में, एक जगह आदमी अगर 15 ईंट भी खरीद लाए, आधा बोरी सीमेंट भी कोई खरीद लाए, तो पता नहीं इनके जेई को कहां से पता चलता है, सूंघता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। और इनका बेलदार कहता है, हाँ जी कितने लेंटर डालोगे? जितने लेंटर डालोगे हर लेंटर का रेट बना हुआ, कहीं पे 3 लाख रुपए एक लेंटर का, कहीं 2.5 लाख रुपए एक लेंटर का, कई जगह 1 लाख रुपए एक लेंटर, 5 लाख भी है, वो कहां पे? तो इनकी रेट लिस्ट तो जी देखो, सारे विधायकों को इनकी रेट लिस्ट पता है, इन्हें भी पता है, ऐसा नहीं कि हमें ही पता है। और अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली के हर आदमी को पता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी ने या तो अपना मकान बनाया है, या उसके रिश्तेदार ने मकान बनाया, या उसके पड़ोस में मकान बन रहा है। तो पार्कों में, पार्टियों में, चाय की दुकान में, ऑफिसों में ये चर्चा होती है कि मैं मकान बना रहा था, पार्षद के यहाँ से आदमी आ गया, या MCD का बेलदार आ गया, या JEE के फोन आने शुरू हो गए कि जी क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो, ऐसे तो नहीं बनने देंगे, ये बात सबको पता। तो सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ही छोटा सा मैंने आंकड़ा निकाला अध्यक्ष जी, सैंपल करा। मेरे यहां 2 एरिया है, एक खिड़की एक्सटेंशन, एक चिराग दिल्ली, दोनों के अंदर लगभग 17-18 हजार वोट है। और मैंने वहां पे एवरेज निकाली, एक साल के अंदर लगभग वहां पे 100 बिल्डिंग बनके तैयार होती, करीब 17-18 हजार वोट के ऊपर 100 बिल्डिंग एक साल में बनके तैयार होती। इसको अगर हम बड़ा कर दें, 1,80,000 की आबादी के ऊपर, जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज है, उस पर हम ये मान सकते हैं कि लगभग 1,000 बिल्डिंग एक महीने में बनके तैयार होती। और अच्छी फिगर ये कि 18,000 को अगर और बड़ा कर दें, 1,80,00,000 की आबादी के साथ इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर दें, तो हमने देखा 10,000 बिल्डिंग, 1,00,000 बिल्डिंग, माफ कीजिएगा, 1,00,000 बिल्डिंग इस दिल्ली के अंदर एक साल में बनती हैं। ये मोटा मोटा एवरेज। अब एक कीर्तिमान अभी अभी भाजपा ने स्थापित किया, अभी रेट कैसे तय करें? कोई कह रहा है 5 लाख रुपए लेते हैं छज्जे के, कोई कह रहा है 3 लाख लेते हैं छज्जे के, एक लेंटर की बात कर रहा हूं। तो अगर 5 लाख भी अगर ये एक लेंटर का लेते हैं और 3 लेंटर किसी ने डाले, तो 15 लाख हो गए एक बिल्डिंग से। और अब बता रहे कई जगह 5 लेंटर डलते हैं, तो 5 लाख अगर एक लेंटर का है तो 5 लेंटरों के 25 लाख हो गए, और अगर 1,00,000 एक लेंटर का है तो 5 लेंटरों के 5 लाख हो गए। और अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, भाजपा के वसंत कुंज के काउंसलर थे महलावत साहब, किसी सरकारी बड़े अफसर की बिल्डिंग बन रही थी वसंत कुंज में, ये पैसे मांग रहे थे, सरकारी अफसर ने CBI में कंप्लेंट कर दी। अफसर बहुत तेज था, उसने बोला MCD का JEE पैसे मांग रहा और रंगे हाथ पकड़वाऊंगा। तो क्योंकि अफसर था, IAS अधिकारी था, CBI दबाव में थी, और CBI ने कहा कि इनका एक JEE पकड़ने का क्या फर्क पड़ता है, ये कोई बदनाम कोई ना हो सकते हैं इससे ज्यादा, भाई इससे ज्यादा क्या बदनाम हो जाएंगे, सबको ही पता। CBI ने ट्रैप डाल दी। अध्यक्ष जी 10 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए नकद लेते हुए भाजपा के पार्षद रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों, भागने की कोशिश करी, एक हाथ को धक्का मारा, दूसरे को धक्का मारा, आगे पूरी टीम खड़ी थी, उन्होंने पकड़ लिया। अध्यक्ष जी मजेदार बात यह है कि CBI को बहुत देर तक ये पता ही नहीं चला कि ये जो है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी, तो CBI ने उसको कूट भी दिया, क्योंकि मुझे पता चला, ये सोच के कि एक तो JEE ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा, वो तगड़ा है थोड़ा काउंसलर, तो उसको कूट वूट दिया, भूस भर दिया।
जो भी है उसको कर दिया उन्होंने, तो वो ये बता भी नहीं पाया कि भाजपा का काउंसलर हूं, और ये उसको पकड़ पकड़ के ले गए। अब क्या है कि क्योंकि मारपीट हो गई तो लोगों को पता चल गया, आसपास ये बात खबर फैल गई कि भाई पकड़ लिया काउंसलर, पकड़ लिया बात। अब सीबीआई पहुंची, ऊपर से आया फोन कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, यही सिखा है तुमने इतने सालों में, हमारे काउंसलर पकड़ लिया तुमने। अब सीबीआई करे तो करे क्या, सीबीआई ने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी, किसी रिपोर्टर को नहीं बताया, चुपचाप। अब क्योंकि पकड़ लिया है वापस ले गए, सुबह सुबह कोर्ट में पेश करना था, अध्यक्ष जी कोर्ट के रिपोर्टरों तक को नहीं पता था, सीबीआई को कवर करने वाले, एनसीडी को कवर करने वाले रिपोर्टरों को, कि आज काउंसलर को पेश करना है। वो तो हमें इनके एमसीडी के ही एक भाजपा के पार्षद ने कागज भेज दिए, और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि अभी थोड़ी देर में सीबीआई कोर्ट के अंदर इनका पार्षद 10 लाख रुपए लेते हुए जो पकड़ा गया उसको पेश करेंगे, तो उसके एक घंटे बाद सीबीआई ने ट्वीट करके कहा कि हां कुछ ऐसा हुआ है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की। वरना सीबीआई तो अगर चूहे का बच्चा भी पकड़ लेती है ना तो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज हमने पकड़ लिया, आज हम इससे पूछताछ करेंगे, आज हम इसके भाई को उठाएंगे, आज इसकी पत्नी से पूछताछ करेंगे, अब ये पता करेंगे कि ये ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था, अब ये पता करेंगे किस किस से मिलता था, आज इसने जमानत लगाई, आज इसकी जमानत खारिज हो गई, आज इसने दोबारा लगाई, आज फिर से खारिज हो गई। रोज रोज सीबीआई जो है माइक के सामने बैठ के ये काम करती है, मगर इसमें नहीं की। तो अध्यक्ष जी यहां से एक रेट डायरेक्ट भाजपा से मेरे सामने आ गया, 10 लाख रुपए का रेट ले रहे थे, ये तो इनका रेट है, वरना कहिए कि जी सौरभ ने अपने रेट बना दिए, आम आदमी पार्टी वालों ने रेट इनके ऊपर थोप दिए। अध्यक्ष जी 10 लाख रुपए इनका काउंसलर खुद लेते हुए पकड़ा गया, 10 लाख रुपए एक बिल्डिंग से लेते हो, मैं कर रहा हूं अध्यक्ष जी, 10 लाख रुपए एक बिल्डिंग से लेते हो, 1 लाख बिल्डिंग सबसे लेट वाले रूम में, नहीं वो कोई बात, अरे अच्छा छोड़ दो बहन, छोड़ दो अच्छा चल रहा है अध्यक्ष जी। मैं नहीं अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए 10 लाख रुपए एक बिल्डिंग से लेते हैं, और मैंने आपको आंकड़ा बताया, 1 लाख बिल्डिंग एक साल में दिल्ली में बनती है, मैं 10 लाख को भी कम करके 1 लाख कर देता हूं। मैं ये कह देता हूं कि कई जगह जी कच्ची कॉलोनियों के अंदर 5 लाख रुपए ले लेते होंगे, कई जगह कोई कई बार ऐसा आरएसएस का कनेक्शन निकल जाता है कि अरे यार तो हमारी है, चलो तुमको कंसेशन दे दिया 8 लाख में। मैं तो ये कह रहा हूं कि 10 लाख के भी रेट को मिट्टी डालो जो इनके रेट है, 1 लाख पे आ जाओ, 1 लाख रुपए भी अगर ये एक बिल्डिंग से लेते हो और 1 लाख बिल्डिंग दिल्ली में एक साल में बनती है, तो 1000 करोड़ का घोटाला तो ये कागज पे करते हैं, 1000 करोड़ का एक साल में घोटाला करते हैं, वैसे ये रेट ज्यादा, वैसे 10,000 करोड़ बनते हैं, और 5 साल का अध्यक्ष जी बस मैं खत्म करूं, और 5 साल का हो गया 5,000 करोड़, और 14 साल से यहां पे हैं, तो 14,000 करोड़ का घोटाला तो अध्यक्ष जी मैंने बाकायदा सबूतों के साथ इस विधानसभा के सामने रखा है, तो 25,000 जो 2,500 करोड़ है ये तो कंसेशन दे रहे हैं इनको, और अब इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, डॉक्टरों नर्सों की तनख्वाह इन्होंने बंद कर रखी है, सिर्फ इसलिए ताकि एक झूठी मांग जो लालची सास, बहू को तेल छिड़क कर जलाने वाली सास, मर्सिडीज के पोस्टर लगा लगा के कर रही है, ताकि इनके ये मान ले कि भाई इनको दे दे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।